सो ऑलराइट बॉयज, तो मैं लेके आ चुका हूँ 1.19 का बेस्ट क्रीपर फार्म ट्यूटोरियल, जो कि वर्क करेगा यार 1.18 में और 1.20 में, जो कि एज सून पॉसिबल है आएगा थोड़े दिनों बाद। और यहाँ पे अपने को लेना है 3x2 का एक एरिया, तो 3x2 का मैं यहाँ पे एक एक ब्लॉक डिक कर दिया और इसको एक एक ब्लॉक और डिक कर देंगे अपन। तो डिक करने के बाद में गाइस यहाँ पे अपने को 4 ब्लॉक लगाने, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ पॉलिश डीप स्लेट, आप कोई से भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हो। एंड डीप स्लेट लगाने के बाद में यहाँ पे अपने को 3 ब्लॉक कुछ इस तरीके से लगाने हैं, देन उसके अपने को 4 ब्लॉक लेंथ ले लेनी है, और यही चीज़ अपने को इस साइड भी प्लेस कर देनी है गाइस। तो 4 ब्लॉक मैंने यहाँ पे भी लेंथ ले लिए, और इसको अपने को आपस में कनेक्ट कर देना है। एंड कनेक्ट करने के बाद में सेम यही स्ट्रक्चर अपने को गाइस इस साइड तैयार कर देना है। और हाँ मैं बता दूं, इसकी पूरी की विड्थ रहेगी 13 और इसकी लेंथ रहेगी 5। तो गाइस स्ट्रक्चर बनाने के बाद में कुछ इस तरीके से लगेगा, और इसके अपने को एक एक लेयर और लगा देनी है। तो जब तक मैं लेयर लगा रहा हूँ यार, तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अभी तक आपने बी फार्म ट्यूटोरियल नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। एंड एक एक लेयर लगाने के बाद में गाइस यहाँ पे अपने को लगाना है मिडिल पॉइंट पे एक कारपेट, और यहाँ डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हो आप कारपेट पे। तो यहाँ मैंने 6 कारपेट यूज़ किए हैं, बिकॉज क्रीपर स्पॉन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और यही चीज़ अपन इस तरफ भी लगा देंगे। तो ऑलराइट गाइस, कारपेट मैंने यहाँ बिछा दिया है, और यहाँ पे अपने को प्लेस करने हैं 4 ट्रैप डोर्स। यहाँ पे मैंने ट्रैप डोर प्लेस कर दिया है, एंड ट्रैप डोर प्लेस करने के बाद में अपने को ऊपर की लेयर भी ट्रैप डोर से कवर कर देनी है, क्योंकि एक काफ़ी मुश्किल भरा काम है, मुश्किल भरा है। तो ऑल राइट गाइज, तो यार काफ़ी मुश्किल भरा काम था ये, और मैंने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे आपको लानी है अपनी कैट्स, और यहाँ पे आ दी है मेरी प्यारी बर्फीली, तो इसको यहाँ पे लिया ना है अपने को, और सेंटर कारपेट पे अपने को इसको रख देना है, कैट को रख देना, क्या बोलते हैं उसको, सेट डाउन करा देना है यार सिंपल लैंग्वेज में। ऑल राइट, तो अब दूसरी भी अपने ब्लैक ही ले आते हैं, और इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं अपन। तो इस मिडल में लगा दिया है, बिकॉज क्रैपीज से स्केयर्ड होंगे और वो इस गड्ढे में जाके गिरेंगे। तो गाइस अब अपने को इसको दो दो ब्लॉक और डिक कर देना है। तो दो दो ब्लॉक डिक करने के बाद में यहाँ पे अपने को पीछे की तरफ से 2 वाटर बकेट प्लेस करनी है, और अब अपने को वाटर बकेट के हिसाब से माइनिंग करनी है। जब तक वाटर चलेगा तब तक अपने को माइनिंग करते रहना है, एंड आई थिंक ये 8 ब्लॉक तक होता है। तो गाइस वाटर हमारा यहाँ रुक चुका है, और यहाँ पे अपने को एक ब्लॉक और डिक कर देना है, और थोड़ा सा एरिया हटाना है, बिकॉज अगेन अपने को 2 वाटर बकेट यहाँ प्लेस करनी है। एंड यहाँ पे आप चाहो तो थोड़ी सी टॉर्च लगा सकते हो, बिकॉज अंधेरा है यार, काफ़ी अंधेरा हो जाता है आगे जैसे जैसे अपन बढ़ते हैं। और अगेन अपने को गाइस वही चीज़ कंटिन्यू करनी है, जब तक वाटर आगे फ्लो होता जाएगा तब तक अपने को माइनिंग कंटिन्यू करती रहना। एंड सिंपल गाइस, अब यहाँ पे अपने को लगा देना है 4 मैग्मा, बिकॉज क्रीपर को अपन नहीं मारेंगे, क्रीपर खुद ब खुद इन मैग्मा से डैमेज होकर किल हो जाएंगे। और यहाँ पे अपने को एक एक ब्लॉक डिक करना है। एंड गाइस यहाँ पे अपने को बना देना है 6x6 का एक रूम। तो गाइस ऑलमोस्ट यहाँ मैंने रूम कंप्लीट कर लिया है, आपको भी यहाँ 6x6 का एक प्यारा सा रूम लगा लेना है, और यहाँ पे टॉर्च प्लेस करना है, बिकॉज लाइटिंग यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अपने को मैग्मा ब्लॉक से एक ब्लॉक छोड़ के एक चेस्ट और 2 हॉपर प्लेस कर देना है कुछ इस तरीके से। और होपर प्लेस करने के बाद में चेस्ट के ऊपर अपने को लगा देना है ग्लास। एंड गाइस ग्लास लगाने के बाद में आप चाहो तो इस एरिया को आप कवर कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो। तो यहाँ मैं वॉरपेड यूज़ कर रहा हूँ डेकोरेट करने के लिए, आप चाहो फ्लोरिंग सब कुछ आप डेकोरेट कर सकते हो। ऑल डन गाइस, तो यहाँ पे अब मैं बना रहा हूँ अपने लिए एक एंट्रेंस और एग्जिट। तो इसके लिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ स्टेयर्स, जो कि है अकाशिया की। तो स्टेयर्स यहाँ मैंने लगा लिए, एंड अब मैं जा रहा हूँ अपने फार्म की तरफ। और फार्म की तरफ आने के बाद में गाइस यहाँ पे अपने को लगानी है डीप स्लेट की एक प्रॉपर लेयर। तो इसके लिए अपने को सिंपल पहले 6 ट्रैप डोर हटाने। तो यहाँ पे मैंने ट्रैप डोर हटा दिए, और यहाँ पे डीप स्लेट की एक कंप्लीट लेयर अपने को लगा लेनी है। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरी एक लेयर बिछा दी है, और लेयर लगाने के बाद में गाइस यहाँ पे अपने को 2 ब्लॉक और डिक कर देना है, सॉरी 2 ब्लॉक और हाइट लेनी है अपने को। तो यहाँ पे मैंने 2 हाइट ले लिए, और इसको अब केवल अपने को इस लेयर को बाउंड्री पे ही यूज़ करना है। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इसका,
बिकॉज यहाँ पे अपने कुछ जैसे आपने नीचे अब कंपार्टमेंट बनाया, सेम वही कंपार्टमेंट अपने को ऊपर तैयार करना है। एंड गाइस लेयर बिछाने के बाद में यहाँ पे अपने को लगा देना है ट्रैप डोर्स, जो कि एक काफी चैलेंजिंग भरा काम होता है यार। तो गाइस यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं ऑलमोस्ट पूरे ट्रैप डोर यहाँ बिछा दिए हैं मैंने। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि क्रीपर यहाँ पे भी स्पॉन होंगे तो आप गलत हो, क्रीपर नीचे ही स्पॉन होंगे, ये केवल एक लुक के लिए। और यहाँ पे अपने को बाउंड्री पे लगा देनी है क्वार्ट्ज की स्लैब्स, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ स्मूथ वाले, और ये भी लगाने गाइस आपको बाउंड्री पे। और बाउंड्री पे लगाने के बाद में आपको जो भी मिडिल वाला एरिया है उसको उस पर आपको लगा देना है डीप स्लेट के स्लैब्स। आप डिफरेंट टाइप स्लैब्स यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताना। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरा फिलअप कर दिया है इसको, एंड कुछ इस तरीके से दिखेगा और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मिडल में से अपने को कुछ ब्लॉक्स हटा देने, पूरी एक मिडल लेयर अपने को हटानी है, बिकॉज यहाँ पे भी अपने को लगाने हैं स्मूथ स्लैब्स लगाने जो कि क्वार्ट्ज के होंगे। एंड यहाँ पे अपने को लगाने स्मूथ क्वार्ट्ज स्लैब्स। गाइस यहाँ पे मैंने स्लैब्स ऑलमोस्ट पूरे लगा दिए हैं, बस एक लेयर और है। ऑल डन गाइस, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब गाइस अब अपने को बनाना है AFK, जो कि क्रीपर को काफ़ी मात्रा में स्पॉन कर देगा वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 120 हाइट ले रहा हूँ, आप 120 क्राफ्टिंग सॉरी स्काफोल्डिंग यूज ले सकते हो। और यहाँ पे बनाना है अपने को एक 3x3 का एक छोटा सा एरिया, और यहाँ पे यूज़ करने आपको दो दो ब्लॉक ग्लासेस। एंड ग्लासेस यूज करने के बाद में ऊपर लगा देने अपने को कुछ स्लैब्स, और स्लैब्स लगाने के बाद में यहाँ पे अपने को यूज करना एक डोर और कुछ टॉर्चेस यहाँ यूज करनी है गाइज। गाइज एक टॉर्च यहाँ लगा देनी है और एक टॉर्च अंदर लगा देनी है। एंड गाइज ये AFK एरिया यार काफी बढ़िया लग रहा है बाय द वे। एंड मैं आ जाता हूँ नीचे, क्योंकि देख रहे यार अपना फार्म वर्क भी कर रहा है नहीं कर रहा। एंड गाइज अपना फार्म यार प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और अपने को ऊपर लगा देने हैं कुछ टॉर्चेस, बिकॉज फार्म के आसपास लाइट अप करना काफ़ी ज़रूरी है। एंड लाइट अप करने के बाद मैं चल जाता हूँ गाइज AFK, जहाँ पे स्पेंड करने थे मेरे को पूरे 10 मिनट्स। तो गाइज इवनिंग हो चुकी थी और समय समाप्त हो चुका था, और मैं आ चुका था देखने की कितना मिला। और 10 मिनट में यार 64 यानी एक स्टैक मेरे को मिल चुका था, और क्रीपर्स यार आ ही जा रहे थे। तो ये काफ़ी एफिशिएंट फार्म है, काफ़ी वर्किंग फार्म है, और काफ़ी सारा आपको गन पाउडर देगा, और जिससे आप TNT वगैरह यूज़ कर सकते हो, रॉकेट्स बना सकते हो। और गाइज आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और अगर कुछ भी आपको लगा हो कि यहाँ पे ये चीज़ करनी चाहिए थी उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। और हाँ, हम 5K करीब है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हिट देयर सब्सक्राइब बटन और लाइक कर देना, चैनल को हेल्प मिलती है।